हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि आपको पता, आज मेरा पेपर है, तो मैंने इनको ना जल्दी खाना दे दिया, सुबह दे दिया है, 8-9 बजे का टाइम हो रखा है। इनको दोनों को खाना दे दिया है। स्नाइपर खा रही थी इसके साथ साथ, बट अब पता नहीं बीच में चली गई थी, अब दोबारा आ गया है। दोनों मिलके खा रहे हैं आज। स्नाइपर कुछ नहीं कह रही इसको, छोटे पपी को। जिमी को अलग ही देता हूँ, क्योंकि जिमी तो अग्रेसिव है, इनको किसी को भी काट सकती है। और अब मैं भी थोड़ी देर में अपना कपड़े वगैरह चेंज करके जाऊंगा एग्जाम देने। और सुबह पता है स्नाइपर ने क्या किया, इसका ना खाना यहीं पे रखा था, इसने इसको नीचे गेर के नीचे डाल दिया, और उसमें देखो कितना खा गई है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। अब ये शायद 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, अब न्यू पैक खोलना पड़ेगा इसका। एंड इसीलिए अब इसको ना जिमी के घर में रखूंगा, वहाँ पे थोड़ा ये बचा रहेगा, धूप भी नहीं लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप लगती है तो इनमें दिक्कत आ जाती है। जो मैं यहाँ पे रखूँगा ना, तो डायरेक्ट धूप लगेगी, फिर खाना ख़राब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसमें लिखा भी होता है वैसे भी, डायरेक्ट सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करो, इसीलिए इसको रख देते हैं अब जिमी घर पे। लेकिन आज मैं आ गया हूँ पेपर दे के, एंड जस्ट अभी आगे बैठा हूँ, एंड जस्ट अभी आगे खड़ा हुआ हूँ। एंड सारे डॉग्स अपना होंगे इधर उधर ही, कहाँ है तुरना वो सारे, कहाँ है? अच्छा, स्नाइपर मैडम तो यहाँ पे। और देखो ये कैसे सो रही है इसके ऊपर, वाह, इनमें अपना भाई अच्छे से वो हो रहा है, प्यार प्रेम हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपना लेटे रहने देते हैं, जिमी के साथ नहीं लेटते, जिमी अपना अलग है इन सबसे। जिमी मैडम ये बैठी है। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड अभी जस्ट मैं उठा हूँ बिल्कुल राइट नाउ, अभी मुँह धो के आया हूँ, यार नींद आ गई थी बहुत तेजी कल को, मैं व्लॉग बना पाया ना ही कुछ, क्योंकि यार पूरे दिन घूम रहे थे इधर से उधर काम के लिए, पेपर दे के आया था वहाँ पे भी, यार पूरा दिन थक गया था, लेटते बिल्कुल नींद आ गई, अभी जस्ट उठाऊँ। अब देखते हैं यार, यहाँ पे मम्मी कह रही है इसमें पहले तो ना ये मिट्टी का एक पता नहीं घास का वो डालेंगे, फिर यहाँ पे डस्ट हमारे पास, ये रहा डस्ट, डस्ट को डालेंगे या मिट्टी वाले को बुलवाएंगे, मिट्टी लेके आएगा फिर उसको डालेंगे। गाइस अब एक बार रखे हैं साइड पे, यहाँ पे हमने प्लॉट्स वगैरह काट रखे हैं, तो यहाँ पे एक बार आ जाते हैं, ये भी अपना एक काम है साइड में, पार्ट टाइम काम मान लो इसको भी। अब यहाँ पे 2-3 घंटे लगा के फिर अपना जाएंगे। तो जस्ट अभी घर पे आए, एंड देखो सारे के सारे ऐसे मिल रहे हैं, जैसे मैं पता नहीं बॉस पता नहीं कितने सालों में आया हूँ। अरे स्नाइपर काट क्यों रही है तू, तेरे को खेलना नहीं आता, मिलना नहीं आता क्या? देख कपड़े सारे खराब कर दे। कहाँ पे गई जिमी मैडम, कहाँ गई हमारी जिमी? तो ये जी उपजा स्नाइपर। बैला कहाँ है? बैला आ गई। हेलो हेलो, बैला कहाँ पे है? ये री बैला, ये आ रही हमारी बैली। क्यों नाराज हो रही है? अरे स्नाइपर रुक जा, क्या कर रही है स्नाइपर? जलती तो है ये स्नाइपर। अच्छा मम्मी ने स्नाइपर का न्यू नाम देख दिया, जलकुकड़ी। स्नाइपर जलकुकड़ी, जीमी नहीं बैला। लैपटॉप में क्या चल रहा है? लैपटॉप में वही नाटक देख रहे हैं, सुबह शाम नाटक चलता है इनका, बहुत बढ़िया। इसको भी रोटी बना के दो रही हूं। ये ले भाई, कपड़े धो, रोटी बनाए, सारा काम निकाला। मैं बाहर काम करता हूँ। जिमी यहीं पे, मेरे को लगा यार गेट खुला हुआ था ना, कभी कभी चली जाती थी पहले, अब नहीं जाती है, बहुत अच्छी हो गया जिमी हमारी। इसको यार देख रहे हैं, कोई ले ले तो बता देना यार गाइस कमेंट में भी, देख लेंगे अपना, बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मोहित शर्मा VID है मेरी, जिसको चाहिए हो बता देना। जिमी पंजा नहीं देना आता, दिए पंजा जिमी। ओ ये लेट ही गई सिद्धि जिमी, तो ले भाई लेट के दिखा दिया जिमी ने। ये रेड सा क्या रखा है जिमी? ये रेड सा वैसे है गाइस, ये जिमी। ये बैला भी आएगा इस पीछे, अभी इनको खाना दें। खाना दे दिया तूने इनको? दिया नहीं क्या? अभी बना है? चल दे रही, अभी तो वैसे भी गर्म होगा। अरे स्नाइपर रुक जा यार तू, इसको पट्टा किसने भरा? इसका पट्टा निकाल दो गाइस। इसका ना मैंने पट्टा उतार रखा था, क्योंकि इसको ना एलर्जी हो जाती है, नहीं तो पट्टा लगा के रखता हूँ ना तो एलर्जी हो जाती है इसको, इसीलिए मैं निकाल के ही रखता हूँ। ये लो गाइस अभी भी निकाल दूंगा पट्टे को, तो मैं निकाल दिया तू ना, तू निकाल दे इसको, नहीं तो ना इसको देखो गर्दन पे इधर हो जाता है, इधर गर्दन पे ना फुंसी सी हो जाती है इनको, ऐसे ठीक लगती है। जिमी को तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको पट्टा पहना के रखते हैं। एंड ये भी वेरी वेरी छोटी, आपको पता ही है गाइस। एक बार चेक करो, डॉग्स को ना खाना दे दिया, एंड मैं तो यार सो गया था, अभी पारस आया, पारस ने उठाया है। वैसे तो खाना देना ही था गाइस इनको, वैसे घर वाले देते, अब हमने दे दिया, एक ही बात है। जिमी को यहीं पे रही, जिमी मैडम जी खा रही है। आज इनका न्यू पेडिग्री का पैकेट ओपन किया, पेडिग्री मान लो या पेट फूड मान लो कुछ मान लो, इसका खाना कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे है क्या? ये खाना खा रही है, स्नाइपर वेटिंग में है। स्नाइपर ने कहा मेरे को आके अपने आप ऐसे मतलब कि भोग भोग के बता रही कि भैया भूख लगी है, खाना दे दो खाना दे दो। तो यार अभी इनको खाना दे दिया है आज, यार आज के लिए थोड़ी सॉरी, मैं अपना सो गया था यार, सारा दिन घूम घूम के थक जाते हैं, तो थोड़ी नींद आ गई थी।
अब अपना इनको मिल गया खाना। एंड आज ना इनको बाहर लेके जाऊंगा वॉकिंग के लिए, नहीं तो ना ये जिमी और स्नाइपर मैंने देखा है ऊपर जाके पोटी कर देते हैं, हमारी छत पे जाते हैं ऊपर और पोटी करके आ जाते हैं, बहुत परेशान कर दिया यार, मेरे को उठानी पड़ती है। तो इनको आज बाहर कैसे ना कैसे करके कितनी देरी घुमाना पड़ो इनको पोटी जरूर करवाऊंगा आज बाहर ही। एंड इस मैडम को भी लेके चलूंगा। गाइस डॉग्स ने खाना खा लिया है, इनको ना अभी बाहर वॉकिंग पे लेके आए हैं, जिमी भी आई है आज तो। एंड ना इसने जो ये छोटी वाली है ना इसने तो फ्रेश भी हो लिया है, तो बाहर निकलते हैं अपना काम खत्म है ना। क्या हो गया? हाँ ये यार बीमार तो नहीं हो रखी? नो वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म भी नहीं हो रखा, टेम्परेचर भी ठीक है गाइस इसका। इसने कर लिया अपने दोनों रह गया, जब इनका मन करेगा जल्दी सी करो भाई फिर वापस घर पे जाना है, जल्दी जल्दी करो दोनों। एंड अभी तक कोई भी फ्रेश नहीं हो रखा है, ना जिमी हुई ना स्नाइपर। रुक देख 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 कैसे भाग रही है पागल सी, गली जैसे इसकी है, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर। ले भाई जैकी गैंगस्टर भी आ गया, अभी आया उधर से आया, पता नहीं कैसे फ्रेगरेंस आई है, क्या पता लगा इसको कि भाई हमारे घर वाले आए हैं। एंड देख लो यार घर पे नहीं आ रहा, इतना ज्यादा जिद्दी है, हफ्ते से ज्यादा हो गया इसको, बट घर पे ही आना भाई साहब को, भाई साहब को तो गलियों में घूमना है अपना मजे से। एंड ना ही खाना खाता हमारे पास, देख लो एक हफ्ते से ज्यादा खाना नहीं खा रहा, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ चल रहा है इसका खाने का। तो चलो भाई जिमी आ गई है, चलो आगे चलो, थोड़ा आगे तक चलते हैं। आगे आगे चल रहे स्नाइपर के दुश्मन, एंड पीछे स्नाइपर जैकी एंड जिमी चल रही है। देखो कितने आगे आगे तक जा रहे हैं वो दोनों, उनको ना जब भी मौका मिलेगा स्नाइपर को वो पकड़ लेंगे तभी की तभी, बट स्नाइपर नहीं डर रही उनसे। ले भाई स्नाइपर वैसे फ्रेश होने वाली है लगता है मेरे को, इसकी ना इतनी गंदी आदत है किसी भी घर के ना, जैसे ये है इसका रैंप है तो यहीं पे चढ़ के कर देगी इधर बीच में ही। कर ले भाई स्नाइपर, इन्होंने ना हाफ कॉलोनी से ज़्यादा घूम लिया है बट अब तक नहीं यार फ्रेश हुए पागल से। ले भाई स्नाइपर मैडम ने तो कर दिया आगे स्नाइपर करके, जिमी रहती है अभी, जिमी का भी नहीं किया है यार, ऊपर करेगी ना तो यार इसको डांट लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको घुमा ही रहूँगी, कर ले कर ले कर ले। दोनों ने तो कर लिया है, हमारी पिटबुल ने एंड हमारी स्नाइपर ने, बस यही रहती है जैकी को, हमको पता ही नहीं है जैकी कब कर रहा है, कब क्या खा रहा है, कुछ नहीं पता जैकी का। हम तेरे को पानी नहीं देते जिमी, तू यहाँ पे पानी पी दिया जा चल। गाइस इन सब की वॉकिंग तो करा दी थी, अपना स्नाइपर बैठी है आराम से, जिमी वहाँ पे है एंड हमारी पिटबुल मैडम जी अंदर बैठी है। तो चलो इन सब की अपनी हो गया वॉकिंग, अब आज के लोग कहीं पे करते हैं। ओके गाइस कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, एंड आज मेरा पेपर भी आज नेक्स्ट डे है, कल वाले डे से नेक्स्ट डे है, तो आज है मेरा पेपर, आपको पता लग जाएगा कल के व्लॉग में। ओके गाइस बाय।